दोस्तों दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा लोग हैं और भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है, फिर भी ना जाने क्यों लोग खुद को और भी अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो कुछ ना भी करें तो भी भीड़ में अलग ही नजर आते हैं। दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं विशालकाय देह वाले इन जॉइंट लोगों की। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े आकार के लोगों की कहानियाँ जिन्होंने साइज के मामले में सभी हदें पार कर दी, द लार्जेस्ट ह्यूमंस। नमस्कार और स्वागत है दोस्तों आप सबका द मिस्टिका लैंड पर। और आज की इस लिस्ट की शुरुआत करेंगे लिंड से हेवर्ड से। दोस्तों लिंड से हेवर्ड अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली है और 204 सेंटीमीटर यानी 6.69 फुट लंबी। अपनी टीनेज के वक्त लिंड से 210 सेंटीमीटर की हुआ करती थी, लेकिन स्पाइनल हर्निया की नाम की बीमारी की वजह से इनकी हाइट 6 सेंटीमीटर कम हो गई। 2008 में महज 20 साल की उम्र में उन्होंने रेसलिंग की शुरुआत की और जब एक रेसलिंग स्कूल के मालिक की नजर उन पर पड़ी तो उनसे उन्हें ट्रेन किया गया और फिर लिंड से ISIS द एमेजोन के नाम से WWE में आई। जब 6.5 फुट से ज्यादा हाइट वाली इस लड़की WWE की दुनिया में कदम रखा तो उन्हें जमकर पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद उन्हें कई टेलीविजन शोज में काम भी मिला और फिर 2012 में उन्होंने रेसलिंग छोड़ दी और एक्टिंग करनी शुरू कर दी। एक मशहूर अमेरिकी नाटक ग्रेस एनाटॉमी में उन्होंने एक मरीज का रोल भी किया था जिसमें उन्हें पिट्यूटरी ट्यूमर था, हालांकि हकीकत में उन्हें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा कई फुल लेंथ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया जैसे द इंटर्नशिप गेम्स और R100। साल 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें मुख्य किरदार में भी सबसे लंबी एक्ट्रेस के रिकॉर्ड में भी नवाजा गया। एक टीवी शो माई जॉइंट लाइफ में उन्होंने बताया कि जब आप इतने लंबे हो तो आपको कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिलती है। नेक्स्ट इज दलीप सिंह राणा। तो अब अमेरिका से वापस आते हैं अपने देश इंडिया और मिलते हैं एक और रेसलर से। दोस्तों हो सकता है आपने दिलीप के नाम से इन्हें ना पहचाना हो, पर आप इन्हें द ग्रेट खली के नाम से तो जरूर जानते होंगे। 27 अगस्त 1975 को पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे दिलीप सिंह राणा ने अमेरिका तक का सफर बड़े ही दिलचस्प तरीके से पूरा किया। आप ये जानकर शायद हैरान रह जाएंगे, लेकिन दिलीप सिंह को खली बनाया था उनकी इस बीमारी ने। खली की हाइट 221 सेंटीमीटर यानी 7.25 फुट है, जो दलीप की सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। वो असल में एक बीमारी है, एक्रोमैगली, एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर के हार्मोन्स में गड़बड़ी होने लगती है और शरीर की ग्रंथियां ज्यादा बढ़ने वाला हार्मोन बनाती हैं। यानी इंसान की हाइट, हाथ पैर सब कुछ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसे कभी भी उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने कुश्ती और पहलवानी की और अपना ध्यान लगाया और 1995-96 में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर का खिताब जीता। इसके अलावा वो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भी रहे। 1996 में दलीप ने ऑल प्रो रेसलिंग ऑफ अमेरिका में हिस्सा लिया और वहाँ जॉइंट सिंह के नाम से काम किया। वहाँ उन्होंने कई सारे नामी पहलवानों को धूल चढ़ा दी। इसके बाद 2006 में उन्हें WWE में रेसलिंग का मौका मिला और 7 अप्रैल 2006 को खली का पहला मैच था। खली ने अंडरटेकर को हरा दिया, पर किसी कारण से इस मैच का फैसला नहीं आ पाया। उस समय तक खली को अननेम्ड सिंह कहा जाता था। एक हफ्ते बाद उन्हें खली नाम मिला और बड़े ही चाव से रिंग पर बताया गया कि अब आखिरकार एक ऐसा पहलवान है जो अंडरटेकर को ध्वस्त कर सकता है। अपने इस पहाड़ जैसे शरीर को बनाए रखने के लिए खली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो रोजाना 5 किलो दूध, 3 किलो चिकन, 30 रोटियां और 1/2 किलो ड्राई फ्रूट्स खा जाते हैं। खली को फिल्मों में भी रोल मिलने लगे। हॉलीवुड, बॉलीवुड के साथ साथ खली बिग बॉस सीजन 4 में भी आए। अब वो पंजाब में अपना एक रेसलिंग स्कूल खोले हुए हैं। नेक्स्ट इज विकास उपल। दोस्तों विकास जब तक जिंदा थे तब तक वो भारत के सबसे लंबे इंसान थे। विकास का जन्म 1 जनवरी 1986 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ, लेकिन जब तक ये शख्स जिंदा रहा कभी उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज न हो सका और इसीलिए उनकी हाइट को लेकर मतभेद है। कोई उनकी हाइट 8.9 फीट बताता है तो कोई 8 फीट 2 इंच बताता है। विकास की अद्भुत हाइट उनके दिमाग के ट्यूमर की वजह से थी और इनकी हाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके चलते उनके परिवार वालों ने फैसला किया कि उनका ऑपरेशन करवाया जाए। 2007 में ऑपरेशन के दौरान जब इनके ब्रेन से ट्यूमर निकाला जा रहा था तब इनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि विकास ने बॉलीवुड फिल्म रंग दे बसंती में भी काम किया है। नेक्स्ट इज सज्जाद गरीबी।
ईरान के सज्जाद गरीबी की तस्वीरें शायद आपने सोशल मीडिया पर पहले भी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ मजेदार बातें। सज्जाद गरीबी का वजन तकरीबन 200 किलो और हाइट 6 फुट 2 इंच है, लेकिन इतना वजन होने के बावजूद सज्जाद शरीर से एकदम फिट है। दोस्तों, उनकी बॉडी हॉलीवुड फिल्म द हल्क के मुख्य किरदार से मिलती है, इसीलिए सज्जाद को दुनिया भर में ईरानियन हल्क भी कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सज्जाद के हाथों में इतनी ताकत है कि वो अपने शरीर से भी वजन आसानी से उठा लेते हैं। जी हाँ, सज्जाद पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और खुद के शरीर से ज्यादा वजन उठाते हैं। इसके अलावा वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी फाइट करते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम आपको इनसे भिड़ने की सलाह नहीं देंगे। नेक्स्ट इज याओ डिफेन। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और लड़की की। चाइना की याओ डिफेन दुनिया की सबसे लंबी महिला थी। उनकी हाइट 7 फुट 7 इंच थी। याओ की कहानी काफी ट्रेजिक है। उनकी ये अद्भुत हाइट उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर की वजह से थी। हालांकि याओ का जन्म नॉर्मल ही हुआ था, लेकिन इस ट्यूमर की वजह से उनकी हाइट बढ़नी शुरू हुई तो महज 11 साल की उम्र में उनकी हाइट 6 फुट हो गई। जब उनके परिवार ने उन्हें डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला, लेकिन उनकी फैमिली बहुत गरीब थी। फिर याओ ने जिंदगी में कुछ करने की सोची, लेकिन वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, इसीलिए उन्होंने स्पोर्ट्स में जाना चाहा, लेकिन अपने लंबे शरीर और कमजोरी की वजह से वो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाई। तो आखिर में उन्होंने अपने पापा के साथ पब्लिक स्पीकिंग शुरू की और अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, जिसके बाद उन्होंने अपनी सर्जरी कराई, लेकिन कुछ दिन बाद उनका ट्यूमर वापस आ गया और फिर उन्हें दोबारा हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और अपनी दूसरी सर्जरी के बाद वो डिप्रेस्ड रहने लगी। लेकिन फिर उनकी मुलाकात जांग जुंगकेई से हुई, जिसके बाद वो काफी खुश हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और 40 की उम्र में बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। एंड द लास्ट, सुल्तान कोसेन। चलिए दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे जीवित आदमी सुल्तान कोसेन की। सुल्तान टर्की के रहने वाले हैं और इनकी हाइट 8 फुट 2 इंच है। ये अपनी जरूरत से जरा कुछ ज्यादा हाइट की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और किसान बन गए। दुनिया के सबसे लंबे आदमी होने के साथ साथ सुल्तान ने अपने नाम एक रिकॉर्ड और भी कर रखा है। दोस्तों, सुल्तान दुनिया के सबसे बड़े हाथों के मालिक भी है। इनके हाथों की लंबाई है 11.22 इंच। हमारी लिस्ट के बाकी लोगों की तरह इनके भी एक पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था, लेकिन 2010 में उन्होंने अमेरिका जाकर अपने ट्यूमर की एडवांस गामा नाइफ टेक्नोलॉजी सर्जरी कराई, जिसके बाद से उनकी हाइट बढ़नी रुक गई। अपने इस अद्भुत हाइट के सुल्तान काफी फायदे भी उठाते हैं, जैसे वो बिना किसी स्टूल के चुटकियों में बल्ब बदल सकते हैं और बाकी घर के काम में भी वो मदद करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप किसी इतने लंबे आदमी को जानते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाएं। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे नए वीडियो के साथ में। शुक्रिया।